Hello students, welcome to study for civil services. Today is 6th of April 2020 and guys current affairs का ये lecture आप लोग देख रहे हैं. इस lecture में हम लोग various sources से news को cover करते हैं, जैसे कि the Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है. PIB की reports को discuss करते हैं, राज्यसभा television में जो भी important news, discussion, debates आती हैं उनको discuss करते हैं, plus various magazines जैसे कि EPW, Down to Earth के भी articles को cover करते हैं. इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड गाइज, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की. आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. और इस पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके. और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोज की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. सो चलिए गाइस, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं. सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग देखेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे. पेपर 1 की पहली न्यूज में बात हो रही है अगस्त्य वनम बायोलॉजिकल पार्क के बारे में, अगस्त्य वनम जैविक उद्यान के बारे में. तो इंडिया के साउथ रीजन पे आप देखोगे तो यहां पर केरला स्टेट हम लोग को देखने को मिलती है, और केरला के ही साउथ रीजन पर हम लोग को अगस्त्य वनम बायोलॉजिकल पार्क देखने को मिलता है. ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था. और यहां पर दो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसके नाम आपको पता होने चाहिए. एक है नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी जो है वो है पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट. तो ये तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोग को केरला के अंदर देखने को मिल रही है, राइट. और केरला की कैपिटल जो है त्रिवेंद्रपुरम, उसके काफी नजदीक जो है ये बायोलॉजिकल पार्क लोकेटेड है. तो सिर्फ लोकेशन से रिलेटेड आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा. और मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं या यूनियन टेरिटरी में, और आपकी स्टेट में, आपकी टेरिटरी में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर लिखकर बताइएगा, ठीक है. सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, अगर होगी तो लिखिएगा, वरना फिर नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व अगर हो तो वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी होता है. इस प्रकार की प्रैक्टिस हमेशा जो है वो मैं अपने रेगुलर व्यूअर से करवाता रहता हूं. अब पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही टॉपिक था, अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. अब बात करेंगे हम लोग UNCTAD के बारे में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का एक्चुअल में फेवरेट टॉपिक है ये. इससे रिलेटेड यूपीएससी और काफी सारे स्टेट सिविल सर्विसेज क्वेश्चंस पूछते हैं. तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है गाइस UNCTAD का, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा. 1964 में यह बॉडी एस्टैब्लिश हुई थी. इसका मेजर काम है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है पूरी दुनिया भर की, वहां पर ट्रेड और डेवलपमेंट को प्रमोट करना. तो ये फोकस करती है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, और वेरियस रिपोर्ट्स अपनी पब्लिश करती है. अभी रिसेंटली इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, इस रिपोर्ट का नाम याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के पूछे जाते हैं कि ये फलाना रिपोर्ट किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है. तो याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2020, ये रिपोर्ट UNCTAD के द्वारा अभी रिसेंटली रिलीज करी गई है. और इस रिपोर्ट के आधार पर यह बताया है UNCTAD ने कि 2020 में कोरोना वायरस के कारण $1 ट्रिलियन का नुकसान पूरे दुनिया भर को उठाना पड़ेगा, $1 ट्रिलियन या उससे ज्यादा, राइट. तो ये चीज UNCTAD के द्वारा बताई गई है, क्योंकि आप जान ही रहे हो कि आज की रेट में इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है, क्योंकि सब जगह पूरी इंडस्ट्री, पूरा इकोनॉमी, पूरा कॉमर्स, सब कुछ जो है वो बंद है, राइट. आज की रेट में इस बारे में आपको पता होगा, सब बिजनेस बंद है, सब कुछ बंद है, राइट. तो इसलिए क्या हो रहा है, इनकम जो है वो जनरेट नहीं हो पा रही. तो जब इनकम जनरेट नहीं हो पा रही तो ऑब्वियस ही बात है कि लॉस तो होगा ही होगा, राइट. और अभी सिर्फ ये लॉकडाउन का सिनेरियो नहीं है, इसके बाद भी जो है वो एक पूरी दुनिया वर्ल्ड लेवल पर रिसेशन हम लोग को देखने को मिलेगा. इससे रिलेटेड पहले भी मैं आपको कई बार हिंट जो है वो प्रोवाइड करा चुका हूं, और ये वेरियस रिपोर्ट्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है. अब देखिए, इन सब रिपोर्ट का उपयोग आप मेंस में भी कर सकते हैं, तो अपने नोट्स बना के रखिएगा, स्पेशली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर, क्योंकि देखो कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आना डेफिनेटली बक्का ही बक्का है कि कोरोना वायरस के क्या नुकसान हुए हैं, क्या हुआ है, तो उससे रिलेटेड इस टॉपिक को तो अच्छे से
मतलब एक एक चीज रट के रखो इसकी, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतनी अच्छे से रट के रखो कि जिससे कि क्या होगा, अक्सर मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि आपको फैक्ट्स वगैरह रटने नहीं है राइट, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में हम लोग को पता नहीं होता क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है राइट, तो इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ फैक्ट्स मत रटो, कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखो, बट यहां पर आप इससे रिलेटेड जरूर फैक्ट्स को रटना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कोरोना वायरस से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा राइट। तो ये वाली रिपोर्ट को आप मेंशन कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर यूएनसीटीएडी के द्वारा ये कहा गया था कि $1 trillion का ग्लोबल लॉस जो है वो पूरी दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस राइट। तो ऐसी चीज आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं इस प्रकार की चीजें। और एक और कुछ रिपोर्ट जो है ये यूएनसीटीएडी पब्लिश करती है, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और जो हिंदी मीडियम से जो इस एग्जामिनेशन को लिख रहे हैं मैं उनसे बोलूंगा कि जो भी इंटरनेशनल बॉडी होती है तो आप कोशिश किया करो कि उसमें इंग्लिश फॉर्मेट में भी जो रिपोर्ट का नाम वगैरह जो है वो पढ़ा करो ठीक है। एक बार इंग्लिश में पढ़ने का सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि काफी सारे जो हिंदी मीडियम से जिन लोगों ने एग्जाम लिखा हुआ है मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पर्सनली मुझे बोला है कि यानी कि कंप्लेन करी है कि सर इस प्रकार की चीजें अक्सर एग्जामिनेशन में हो जाती हैं कि काफी बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्ड्स होते हैं या फिर उनका कोई रिपोर्ट हो गई या कुछ चीज हो गई, थीम वगैरह हो गई राइट, तो उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो अगर ऊपर नीचे इधर उधर हल्का सा भी हो जाता है तो उसका क्या, एक तो मीनिंग भी चेंज लगने लगता है और दूसरी बात फिर वो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो मेरे साथ पढ़ रहे हो आप किसी प्रकार से कंफ्यूज हो, तो इसलिए एक बार बस देख लिया करो बस ठीक है, सिर्फ देखो उससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि उससे क्या रहेगा आपके दिमाग में थोड़ा सा बना रहेगा कि हाँ ये चीज है ठीक है, जैसे कि आप क्रॉस आइडेंटिफाई कर पाओ अपने इंग्लिश वाली चीज में, क्योंकि कोई भी एग्जाम लिखते हैं हम लोग तो उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लिखा रहता है राइट, तो आप क्रॉस आइडेंटिफाई कर पाओ एटलीस्ट उसको देख के। चलो एनीवेज बस मुझे बताना था, अलर्ट करना था आपको। अब ये इस टॉपिक की बात करेंगे इस, तो देखो हालांकि ये वाला जो टॉपिक है ना ये रिलेटिव टॉपिक है, यानी कि आप मेंस वगैरह में इसका उपयोग कर सकते हैं बट रिलेटिव टर्म पे, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। जीएस 4 में क्वाइट पॉसिबल कि शायद आपको कोई केस स्टडी के तौर पर कोई क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का राइट, बट ये वाला जो टॉपिक है ये इंटरव्यू में ज्यादातर पूछा जाता है और प्रीलिम्स में स्पेशली यूपीएससी तो कभी नहीं पूछेगी, बट स्टेट सिविल सर्विसेज में कुछ कुछ चीजें पूछी जा सकती है, जैसे कि अहमद उमर साइद शेख कौन है, डैनियल पर्ल जो है वो कौन है, इस प्रकार की चीज स्टेट सिविल सर्विसेज पूछ लेता है। अभी देखो आपको करना क्या है, अभी जो मैं मर्डर केस आपको बताने वाला हूं सिर्फ आपको वो सुनना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है ठीक है। अब ये यहां पर जो भी चीज लिखी गई है आप चाहो तो इसी को कॉपी कर सकते हो अपने नोट्स वगैरह में, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे डैनियल पर्ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या फिर इस ओमर साइद शेख के बारे में पढ़ेंगे तो बच्चे जो है वो विकीपीडिया में या फिर यहां वहां से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगते हैं कि उसका जन्म कब हुआ, ये हुआ वो, ऐसी गलती बिल्कुल ना करना ठीक है। जो चीज काम की है और जितनी चीज एग्जामिनेशन के लिए काम की है सिर्फ उतनी ही पढ़ो, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस इतना ज्यादा है आप लोगों का, फालतू में ज्यादा चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ठीक है। तो ये गलती मत करना, नहीं तो पता लगे इसके बारे में लोग जो है वो पूरी इसकी बायोग्राफी निकाल रहे हैं बैठ के, ऐसा काम गलती मत करना ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं सिर्फ सुनो, देखो अभी क्या हुआ है एट प्रेजेंट कि डैनियल पर्ल जो है जो था ये बेसिकली एक अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी थी जिसका नाम था द वॉल स्ट्रीट राइट। तो वॉल स्ट्रीट जनरल का ये एक जर्नलिस्ट हुआ करता था और मुंबई के अंदर ये वॉल स्ट्रीट जनरल जो है इसका साउथ एशिया की ब्रांच थी, उसका ये ब्यूरो चीफ भी था। तो इसको जो है वो तालिबानी टेररिस्ट के द्वारा किडनैप किया गया और उसके बाद 2002 में इसका सर काटा गया और सर काटकर वीडियो जो है वो रिलीज किया गया। आप जानते होंगे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस, हालांकि ये आज की डेट में सिर्फ आईएस हो गए हैं राइट, इस्लामिक स्टेट हो गए। तो इन्होंने ये भी जो है उन्होंने भी इस प्रकार के एक्ट्स किए हुए, आपने देखा भी होगा इवन इनके एक्ट्स को राइट, काफी बार ये रिलीज कर देते थे यूट्यूब वगैरह में, रिलीज कर देते थे लोगों के सर वगैरह काट के वीडियो जारी कर देते थे राइट, ऐसी चीजें दिखाते थे। तो ऐसी ही दहशत दिखाई तालिबान के टेररिस्ट ने इस प्रकार की, और उनमें से एक इंसान जो था वो था अहमद उमर साइद शेख ठीक है, और अहमद उमर साइद शेख जो है वो ये है साइद शेख, उमर साइद शेख ठीक है। अब ये इंसान है गाइस, इसका इंडिया से भी रिलेशन है, एक बार इंडिया ने इसको अरेस्ट भी किया हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया को इसको छोड़ना पड़ा, रिलीज करना पड़ा। इंडिया में आपको बता होगा 1999 में एक प्लेन हाईजैक हुआ था, एयर इंडिया का इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट जो थी, फ्लाइट नंबर 814 IC 814 जो है वो इसको बोलते हैं, काफी फेमस है IC 814 का केस राइट। तो इससे रिलेटेड मूवी वगैरह भी जो है वो इंडिया में बनी हुई है राइट। तो ये 1999 में दिसंबर का महीना था, 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्लेन जो है वो हाईचेक किया था तालिबान के टेररिस्ट ने, और उनकी डिमांड क्या थी इंडिया से, इंडिया के अंदर जो तीन टेररिस्ट थे जिनको इंडिया ने अरेस्ट करा हुआ था तो उन टेररिस्ट को रिहा करो, जिनमें से एक जो था वो अहमद उमर साइद शेख था, उनमें से दो जो थे वो कौन थे, मुश्ताक अहमद जरगार और दूसरा जो था मौलाना मसूद अजहर। मसूद अजहर के बारे में आप जानते होंगे राइट, जैश ए मोहम्मद का लीडर था ये, और इसी ने जो अभी ये पुलवामा का अटैक हुआ था इसी ने जिम्मेदारी ली थी उसकी, आपको पता होगा मसूद अजहर राइट। तो ये जो थे ये तीनों ही थे जिनको इंडिया ने जो है वो रिलीज, इंडिया को रिलीज करना पड़ा क्योंकि यहां पर प्लेन के अंदर पैसेंजर्स थे, सिविलियन पैसेंजर्स थे
राइट मौजूद थे जिनको बंदी बना लिया था टेररिस्ट ने इस प्लेन को हाईजैक करके। तो फिर डिमांड यही थी कि इन तीन टेररिस्ट को छोड़ो, उनके बदले में जो है वो पैसेंजर को छोड़ेंगे ये टेररिस्ट, राइट। तो ये कुछ था इस प्रकार से, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी, राइट। तो होस्टेज क्राइसिस जो था ये 7 दिन तक चला था टोटल, 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये पूरा चला था, यानी कि इतने 7 दिन तक जो लोग जो थे प्लेन के अंदर उनको बंदी बनाया हुआ था। फिर उसके बाद फिर इंडिया ने नेगोशिएट करने की काफी कोशिश करी, फिर वो सामने वाला माना नहीं, टेररिस्ट वगैरह माने नहीं, तो इंडिया को ये तीन टेररिस्ट को जो है वो रिहा करना पड़ा। उसके बाद फिर ये दूसरे और भी केसेस में इन्वॉल्व हुआ और फिर पाकिस्तानी कोर्ट, पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज है उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया था, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद इसको मौत की सजा सुनाई गई इसके मर्डर केस में, डैनियल पर्ल के मर्डर केस में। बट अभी ये टॉपिक उछल कर न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि पाकिस्तान की जो सिंध कोर्ट है, पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट है सिंध के अंदर, सिंध कोर्ट के नाम से भी ये जानी जाती है, तो पाकिस्तानी कोर्ट ने इसको जो है वो अहमद उमर शेख साहिद को इसको जो है वो कहा है कि इसको अब डेथ सेंटेंस जो है वो नहीं दी जाएगी, राइट। यानी कि इससे मौत की सजा जो इसको सुनाई गई थी, डेथ सेंटेंस जो इसको सुनाया गया था वो हटा दिया है इसके ऊपर से। तो इसके लिए अब इंडिया जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में पाकिस्तान के अगेंस्ट इस इशू को रखने वाली है, तो इसलिए ये पूरा मामला भी न्यूज में आया था, ठीक है। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है इसके बारे में पहले काफी डिटेल में मैं अपने रेगुलर व्यूअर्स को बता चुका हूं, बट बेसिक चीज मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। तो देखो गाइस एक चीज याद रखना, FATF एक ऐसी बॉडी है जो कि काम करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज को रोकने के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेररिस्ट फंडिंग, तो ये दो चीजों को रोकने के ऊपर ये काम करती है। ये एक बॉडी है जिसका काम है रोकती है कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी प्रकार की मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, इलीगल पैसे जो है उसकी लेन देन इंटरनेशनल लेवल पर ना हो, तो उस पर ये निगरानी रखती। तो ये एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है। ग्रुप ऑफ 7 नेशन के द्वारा इसको जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था, FATF को, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को, ठीक है। और ये तीन प्रकार की लिस्ट जो है वो मेंटेन करती है अपने साथ, एक है ग्रे लिस्ट, दूसरी है डार्क ग्रे लिस्ट और तीसरी है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। ये तीन इसकी लिस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो ये तीन लिस्ट का मकसद क्या होता है, जैसे कि कोई भी कंट्री है जिसके ऊपर शक होता है कि वो कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी कर रही है, यानी कि हवाला सिस्टम के थ्रू जो है वो ब्लैक मनी को इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंट्री में जो है वो बुलवा रही है या फिर अपनी कंट्री से निकाल रही है या फिर टेररिस्ट फंडिंग जो है वो कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट फंड करता ही है, टेररिस्ट को जो है वो कुछ पैसे वगैरह प्रोवाइड कराता है, फंडिंग करवाता है टेररिस्ट की, आप जानते हैं उसके बारे में, राइट। तो FATF को पाकिस्तान के ऊपर शक हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये टेररिस्ट को कुछ फंडिंग जो है वो प्रोवाइड करा रही है। तब उस समय हम लोग को देखने को मिला था कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया और FATF ने कुछ नॉर्म्स दिए कि FATF ने बोला कि इन फलाना नॉर्म्स जो है वो आपको फुलफिल करना है, राइट, अगर आपको ग्रे लिस्ट से हटना है तो, राइट। और अगर आप नॉर्म्स को फुलफिल करोगे तो वेल एंड गुड, आपको ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हुई थी, बट फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने FATF की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, उनके नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, तो उसके बाद पाकिस्तान को डार्क ग्रे लिस्ट में रख दिया गया। डार्क ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दिया जाता है कंट्री के ऊपर, राइट। और ये जो होता है वो ग्रे और ब्लैक लिस्ट के बीच का हिस्सा होता है, ठीक है, डार्क ग्रे लिस्ट। और ब्लैक लिस्ट ये मान के चलो कि अगर जो भी कंट्री इस लिस्ट के अंदर आ जाती है उस कंट्री को ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोन देता है, ना वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देता है, ना फिर कोई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो लोन देती है, या फिर ना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ डील करता है, राइट। अगर जो भी कंट्री ब्लैक लिस्ट में चली जाती है, ब्लैक लिस्ट में कौन सी कंट्री आज की डेट में, जैसे कि नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में, राइट, आज की डेट में FATF की, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर इलीगल चीजें बहुत ज्यादा होती है, न्यूक्लियर जो है वो वेपन्स वगैरह बनाने लगता है उसका लीडर, आप जानते हो थोड़ा सा संगी टाइप का आदमी है, राइट। इसके अलावा ईरान भी FATF की ब्लैक लिस्ट में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ऐसी जो कंट्रीज हैं जो एक बार FATF की ब्लैक लिस्ट में आ गई तो ये मान के चलो कि उसकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। ये इकोनॉमी के ऊपर कैसे मेजर इंपैक्ट पड़ता है तो ये भी एक कंसेप्ट आप इजी तरीके से आप समझो, इसको हम लोग लोकल लेवल पे समझते हैं, आपस के लेवल की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि अपने लेवल की बात करते हैं। जैसे कि एक कंपनी है किसी की, आपके फ्रेंड की एक कंपनी है, ठीक है। अब आप हो, आपके फ्रेंड की कंपनी है, आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ डीलिंग कर रहे हो, ठीक है। ये फ्रेंड नहीं मानते, मान लो कि कोई एक अच्छा बंदा है आपका, अच्छा कुछ लॉन्ग टर्म आपके उससे अच्छे संबंध है और कुछ समय के बाद आपकी उससे अच्छी दोस्ती हो गई, बट अचानक से अगर आपको पता लगता है कि यार ये इंसान जो है वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहा है या फिर कैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहा है जो कि ब्लैकलिस्टेड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप धीरे से उसके साथ ट्रेड जो है वो अपना खत्म कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप पुलिस के पचेड़े में नहीं पड़ना चाहते, बिकॉज एज अ वेल नोन पर्सन या फिर एज अ नॉलेजेबल पर्सन, राइट, सोसाइटी में रह रहे हो, आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो इतना तो आपको पता है कि अगर हम किसी भी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे होते हैं जिसके कॉन्टैक्ट्स किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी के साथ होते हैं या किसी ब्लैक लिस्टेड पर्सन के साथ होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप भी खतरे में, इन अभी ना ही आओगे तो माना
इन फ्यूचर आप आ सकते हो, क्योंकि आप उसके साथ लेन देन करोगे तो कल को आपके ऑफिस में भी पुलिस आ सकती है पूछताछ करने की, भाई साहब इनके साथ आपका क्या रिलेशन है, क्या चक्कर है। तो आप उन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, राइट। वैसे ही होता है जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ऐसी कंट्रीज के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करती है, ऐसी कंट्रीज में अपनी ब्रांचेस नहीं खोलती है, ऐसी कंट्री के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, वो कंट्री जो FATF की ब्लैक लिस्ट या इवन ग्रे लिस्ट में आ जाती है, राइट। क्योंकि उन कंपनीज को डर होता है कि इनके जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके ऊपर निगरानी रखेगा FATF, एंड नो वन वांट्स की कोई भी अथॉरिटी उनके ऑफिस में आए और उनका टाइम जो है वो बर्बाद करे, राइट, या फिर उनसे पूछताछ करे। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप ऐसा कहा जाता है ना कि जनरली कि अगर पुलिस हमारे द्वार पे आ रही है तो थोड़ा सा एक नॉर्मल इंसान को भी डर लगने लगता है कि भाई क्यों आ गई, क्या हो गया, एक पैनिक क्रिएट हो जाता है ना, भले आप कितने भी अच्छे हो क्यों ना हो, राइट। बट अभी आप लोग में से मेरे शायद कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो नीचे लिखेंगे सर पैनिक होने की क्या जरूरत जब कुछ किया ही नहीं है, तो एक प्रैक्टिकल चीज समझ के रहो कि आपको एक अर्जेंट मीटिंग पे जाना है और एकदम से आपके पास पुलिस आ जाए तो आपकी वो मीटिंग जो है वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी। नो वन वांट्स कि उसकी कोई अर्जेंट मीटिंग या फिर किसी भी प्रकार की बिजनेस डील डिले हो, राइट। और ये सब चीजों का ख्याल, टाइम का ख्याल बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत अच्छे से रखती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, IMF हो गई, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये ऐसी कंट्रीज के ऊपर बिल्कुल भी ना लोन देते हैं ना उन कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं जो FATF की ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में भी इवन आ जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीज आप याद रखो, ब्लैक लिस्ट तो ये मान के चलो कि ब्लैक लिस्ट तो खेल खत्म, यानी कि वो सामने वाली कंट्री को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ग्रे लिस्ट में फिर भी उसको सपोर्ट थोड़ा बहुत किया जाता है बाहर से, राइट, बट रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगा दिए जाते हैं, राइट, उसको एक सुधरने का मौका दिया जाता है कि भाई सुधर जाओ, ब्लैक लिस्ट में ना आपको जाना पड़ जाए। और पाकिस्तान काफी समय से, ये पहली बार जो है वो पाकिस्तान 2012 से लेकर 2015 तक जो है वो ग्रे लिस्ट में रहा था, और अभी भी जो है इवन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है FATF की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, ये सिंपल तरीके से आप याद रखो, ये बस आपको कंसेप्ट अपना दिमाग में समझना है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। और बाकी FATF के बारे में अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो प्रीवियस मेरे ट्यूटोरियल्स देखिएगा, मैंने इसके बारे में प्रॉपर जो है वो वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलो एनीवेज, और अच्छा मेरे से जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी पूछते हैं कि आपके पुराने वीडियो मुझे कैसे मिलेंगे, तो देखिए गाइज अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन किया होगा आपने तो आपके पास इस वीडियो की PDF होगी, उस PDF पे आप सर्च कर लिया करो FATF तो आपको जो है वो मिल जाएगा, राइट। क्योंकि सर्च का ऑप्शन आता है ना हमारे मोबाइल में भी, अगर आप एक्सेस करते हो या लैपटॉप में एक्सेस करते हो, मतलब लैपटॉप में करते हो कंट्रोल F दबाया या मोबाइल में करते हो तो ऊपर साइड कहीं पे सर्च का एक ऑप्शन होता है, तो उसमें आप FATF लिख दोगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लिख दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहां पर वीडियो है, क्योंकि मंथली कंपाइलेशन भी जो है वो PDF का प्रोवाइड किया जाता है हमारे पेड ग्रुप में, ठीक है। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर एक एप्लीकेशन अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है जिसका नाम है COVID-19 CQAS क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम ऐप, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है। अब देखो इस एप्लीकेशन जो है वो एक प्रकार की जियो फेंसिंग ऐप हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि पता लगाएगी कि कौन इंसान है जिसने क्वारंटीन को वॉयलेट किया है, ठीक है। अब देखो पहले तो आप ये चीज समझो कि क्वारंटीन और आइसोलेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले एक एडिटोरियल आया था उसमें ये डिफरेंसिएशन यहां पर मौजूद था। अब मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर एडिटोरियल भी कवर करते हो कि नहीं करते हो, देखिए एडिटोरियल जो होता है ना वो क्या होता है, एक्सपर्ट्स के अपने ओपिनियन होते हैं, एक्सपर्ट्स एक टॉपिक के बारे में अलग अलग डायमेंशन बताते हैं, तो वो सेम चीज मैं एडिटोरियल को पढ़कर सेम चीज आपको न्यूज के साथ ही कवर करता हूं, वो बताता चलता हूं, तो इसमें आपका एडिटोरियल भी जो है वो कंप्लीट होता चलता है। जैसे कि एक एडिटोरियल में अभी 2-3 दिन पहले ही है, द हिंदू का एक एडिटोरियल आया था क्वारंटीन और आइसोलेशन के बारे में डिफरेंसिएशन बताया हुआ था। तो इसमें देखो क्वारंटीन और आइसोलेशन में डिफरेंस क्या होता है, क्वारंटीन का मतलब ये होता है सिंपल कि जैसे कि एक इंसान है जिसमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बट उसको अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि नहीं है ये चीज कंफर्म नहीं है, तो उसको बोला जाता है कि आप अपने घर में अपने आप को लॉक कर लो, ठीक है, बंद कर लो, अपने घर से बाहर मत निकलना किसी कंडीशन में, राइट। तो ये क्या होता है, ये क्वारंटीन होता है। बट आइसोलेशन कब बोला जाता है, जब एक इंडिविजुअल जो होता है उसको कोरोना वायरस पॉजिटिव आ चुका है उसकी रिपोर्ट और उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, टोटली रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा दी जाती है कि भाई किसी की मत मत निकलना, उसको हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आइसोलेशन वाली कैटेगरी आ जाती है। अब यहां पर काफी सारे ऐसे लोग हैं गाइस जिनमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंडिविजुअल है जिसका बच्चा बाहर से आया, राइट, फॉरन से पढ़ के, राइट, और अभी अभी रिसेंटली यानी कि फॉरन में पढ़ने गया था बट अभी रिसेंटली इंडिया आ गया, ये कोरोना वायरस फैल रहा है उस चक्कर में, वो उनके साथ अपने घर में रह रहे हैं। अब वो बच्चे को जो है वो पॉजिटिव आ गया उसकी टेस्ट, राइट, बच्चे की, और बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में, बट उसके माँ बाप को बोला गया या उसके फैमिली मेंबर्स को बोला गया कि आप अपने घर से बाहर मत निकलना। बट हमारी कंट्री में क्या हो रहा है कि लोग बाग जो है वो इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये वॉयलेट करते जा रहे हैं बार बार अपने, मतलब जो बोला गया उनको कि घर में रुको, बाहर मत निकलो, क्योंकि आप बाहर निकलोगे तो आप दूसरे लोगों को भी इन्फेक्ट कर दोगे और इस इन्फेक्शन को आप फैलाना शुरू कर दोगे, बट लोग बाग नहीं मान रहे, राइट। ऐसी चीजें हम लोगों ने काफी बार देखी हुई है हमारी कंट्री के अंदर, तो इसीलिए ऐसे जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन लाई गई।
अब जो भी ऐसा इंडिविजुअल होगा गाइस जो कि क्वारंटीन को जो है वो वायोलेट कर रहा होगा, तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज को पता लग जाएंगी, ऑथराइज गवर्नमेंट एजेंसीज को ईमेल और एसएमएस के तहत। कैसे पता लगेगी? तो देखो इनके इनका जो मोबाइल होगा उसको कनेक्ट किया गया, क्योंकि देखो मोबाइल फोन है तो उसमें सिम डली है, राइट। अब सिम जो है वो किससे चलती है? ऑब्वियस ही बात है कि ये टावर सेलफोन के टावर्स वगैरह लगे रहते हैं तो उससे सिम में जो है वो नेटवर्क आता है, फिर हम लोग सिम को यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये कनेक्टेड है मोबाइल फोन के सेल टावर्स के साथ, और जैसे ही इंडिविजुअल बाहर निकलेगा तो उसकी लोकेशन जो है वो पता लग जाएगी ऑथराइज्ड एजेंसी को, उसका अलर्ट जो है वो ऑथराइज्ड एजेंसी को पता लग जाएगा। इसको इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि ये ऐप कैसे काम करेगी, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे लोग अभी कंफ्यूज हो गए समझने में। देखो गाइस, आपने देखा होगा काफी सारे जो मूवीज हैं या फिर काफी सीआईडी वगैरह में आपने देखा होगा कि किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस क्या बोलती है, उसकी मोबाइल फोन की लोकेशन का ये पता लगाओ। अब मोबाइल फोन की लोकेशन पता लगाने के बाद सामने वाले व्यक्ति के पास अगर कोई जो है वो नोकिया का मोबाइल है वो कीपैड वाला, ठीक है, तो भी पुलिस को पता लग जाता है उसकी लोकेशन। कैसे लग जाती है? मोबाइल फोन के टावर के थ्रू ये पता लगाते हैं कि वो मोबाइल फोन कब ऑन हुआ है और किस लोकेशन पे हुआ है, तो उसके टावर के थ्रू पता लग जाती है कि वो कहां पर है, राइट। तो उसको जियो फेंसिंग बोलते हैं, उसकी लोकेशन जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो उसके टावर के थ्रू पता लग जाती है कि यार ये यहां पर है, इसका सिग्नल यहां से मिला है, ना ऐसे ही होता ना। वैसे ही जो जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको सरकार ने स्पेशली यानी कि जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज, उन्होंने कहा है कि इनको क्वारंटीन में रखना है, और अगर वो वॉलेट करेंगे तो उनके मोबाइल नंबर को लिंक कर दिया जाएगा यहां से मोबाइल फोन के सेल टावर्स के साथ, और जैसे ही इनकी लोकेशन में हलचल होती है हल्की फुल्की, यानी कि जैसे इनको एक टेरिटरी बताई गई है कि इस टेरिटरी के बाहर इनको आना नहीं है, और अगर ये टेरिटरी के बाहर आते हैं तो तुरंत अथॉरिटीज को जो है वो पता लग जाएगा, और अथॉरिटीज तुरंत इनके पास चली जाएंगी और इनको पकड़ के शायद फिर हॉस्पिटल वगैरह बंद कर देंगी, और इनके ऊपर शायद कार्रवाई भी जो है वो की जा सकती है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है। तो ये सिस्टम जो है वो अब काम करेगा, क्योंकि लोग बाग जो है वो खुद से मान नहीं रहे, तो इसलिए अब ये सब चीजें जो है वो तर्क जो है वो अपनाने पड़ रहे हैं अथॉरिटीज को। तो अब ये भी मेन्स वगैरह में उपयोग कर सकते हैं कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज ने क्या क्या किया, इस प्रकार के अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो। क्लियर है यहां तक पूरी बात है? अब इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डीओटी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा, और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के कोऑर्डिनेशन के साथ, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और देखो कोरोना कवच नाम का एक और एप्लीकेशन था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था काफी डिटेल में, वो भी कुछ इसी प्रकार से काम करती है, राइट। कि हमारे जो आसपास, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि इस एप्लीकेशन का काम क्या होता है कि हमारे जो आसपास कोई भी इंडिविजुअल अगर आता है जिसको कोरोना वायरस है, राइट, तो ये एप्लीकेशन जो है वो हमें अलर्ट करने लगेगी कि यार आसपास आपके कोई है जो कि पॉजिटिव है, कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट है, राइट। तो इसकी एक इसमें एक सिस्टम वगैरह होता है जिसको ऑन करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी घर से बाहर निकल रहा है तो वो इस मोबाइल में अगर ऑन कर देगा, एक बटन होता है यहाँ पर, ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर कोरोना वायरस कोरोना कवच के एप्लीकेशन के अंदर एक बटन होता है, घर से बाहर निकलते समय अगर कोई व्यक्ति उस बटन को ऑन कर देगा, राइट, तो और ये एप्लीकेशन, जैसे कि मैं अपने घर से बाहर निकला, अब सामने वाला एक व्यक्ति है जो कि पॉजिटिव है, कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट है, उसने भी जो है वो ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड की हुई थी और उसने भी ये बटन दबाया हुआ था घर से बाहर निकलते समय, राइट, दबा के रख दिया था, यानी कि ऑन कर दिया था इस एप्लीकेशन को। तो जैसे ही ये मेरे नजदीक आएगा मेरे पास जो है वो एक अलर्ट जारी हो जाएगा कि आपके आसपास कोई घूम रहा है जिसको कोरोना वायरस है और ये पॉजिटिव पेशेंट है, तो मैं तुरंत वहां से जो है वो भाग जाऊंगा। बट इसका एक लूप होल क्या था? इसका लूप होल था कि मुझे घर से बाहर निकलते समय या फिर जो पॉजिटिव पेशेंट है उसको घर से बाहर निकलते समय यहां पर ऑन करना होगा इस डिवाइस को, इस ट्रैकर को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले डिटेल में, जिनको और डिटेल में अच्छे से पढ़ना है कोरोना कवच के बारे में वो 31 मार्च 2020 के मेरे इस लेक्चर को देख लीजिए जो कि ओनली करंट अफेयर्स नाम के यूट्यूब चैनल पर जो है वो अपलोडेड है, राइट। अगर आप ये लेक्चर जो है वो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब में जाकर इस लेक्चर को जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर। और कितने मिनट पर है तो वो भी देख लो आप, 11:14 पे, अगर आप 11:14 पे जाओगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा ये। अब सेम जैसे मैंने भी आपको बताया ना, ये कोरोना कवच जैसी एप्लीकेशन है, सेम वैसी ही एप्लीकेशन आरोग्य सेतु हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये भी आसपास जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बता देगी, अलर्ट कर देगी, राइट। बट इसमें फर्क, इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें घर से बाहर निकलते समय एक बटन दबाना पड़ता था, इसमें क्या होगा, ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें सिर्फ इंसान का ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। जैसे कि काफी सारी एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड करते हो उसमें लिखा रहता है कि दिस एप्लीकेशन वांट्स योर अप्रूवल ऑफ ब्लूटूथ, ऐसा करके कुछ लिखा रहता है ना कि आपके ब्लूटूथ के अप्रूवल की आवश्यकता है इस एप्लीकेशन को, ऐसा कुछ लिखा रहता है उसमें, राइट, उनका एक अलग सा कुछ रहता है फ्रेज इस टाइप का, राइट। तो वैसा परमिशन जो है ये मांगता है ब्लूटूथ की, तो वैसे ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड करोगे ब्लूटूथ की परमिशन मांगेगा, और जो भी टेस्टेड पॉजिटिव पेशेंट होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आसपास के लोगों को मिल जाएगी, अगर जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा तो, ठीक है। तो ये भी एक इंप्रूव्ड वर्जन जो है वो
कोरोना कवच का हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, काफी सारी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। और इसके जितने भी डेटाज होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं, बिल्कुल सिक्योर होते हैं, बट एक टाइम होता है जब मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है, यानी कि जो अथॉरिटीज है हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड या गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड कोई अथॉरिटी है जो कि कोरोना वायरस को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, तो वो इनके डेटा वगैरह जो है वो ले सकती है, ठीक है, ऑथराइज टर्म्स पे। बाकी पूरे डेटा जो है वो सिक्योर है, तो ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट प्राण के बारे में बात करेंगे हम लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा प्रोजेक्ट प्राण के तहत कुछ वेंटिलेटर्स बनाए गए हैं। देखो आप, इस प्रकार के ये वेंटिलेटर हैं, और ये वेंटिलेटर्स जो है गाइस, आप जानते हो कि वेंटिलेटर्स का एक्चुअल में काम क्या होता है कि कोई भी पर्सन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, यानी कि जो इंसान सांस नहीं ले पा रहा है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और वेंटिलेटर लगा दिया जाएगा तो उसको आसानी से सांस मिलेगी, उसको ऑक्सीजन मिलेगी, राइट। तो जो इंसान खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पाता है उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, राइट। और कोरोना वायरस के पेशेंट्स में यही चीज देखने को मिल रही है हम लोग को, जो कि काफी खतरनाक है। एक बार किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसको डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, लंग्स पे वो इंपैक्ट करता है, और इंसान जो है वो सांस नहीं ले पाता, बड़ी मुश्किल आती है उसको सांस लेने में, और इसीलिए तो डेथ हो जाती है। जो ओल्ड जो पर्सन हैं, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं या फिर जिन लोग को हाई ब्लड प्रेशर या इस प्रकार की चीजें हैं, तो उनको बड़ी जो है वो इश्यूज हो जाते हैं, और डेथ वाले केसेस जो है वो उनके ज्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि सांस नहीं मिल पाती उनको प्रॉपर तरीके से। तो कोरोना वायरस किस पे अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, तो उसके लिए वेंटिलेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमारी कंट्री में काफी लिमिटेड वेंटिलेटर्स हैं, तो इसलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इंडिया में जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनको उनका इस्तेमाल करते हुए इस वेंटिलेटर को बना दिया। क्योंकि देखो, वेंटिलेटर्स में जो मशीन्स लगती हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो हमारी इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं होते, उसको बाहर से इंपोर्ट कराना रहता है। बट अभी क्या है, लॉकडाउन के चलते इंटरनेशनल सब कुछ जो है वो बंद है, राइट, सब बंद है, पूरा ट्रेड बंद है, रूट्स वगैरह सब बंद हो गए, राइट। तो इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने जो है वो एक ऐसा प्रोटोटाइप जो है वो बना दिया है, जो कि इंडियन मटेरियल्स का ही उपयोग करते हुए वेंटिलेटर को चला रहा है, यानी कि एक ऐसा वेंटिलेटर है जो कि इंडियन मटेरियल के ऊपर ही बना हुआ है, और काफी सस्ता है ये, ठीक है। तो ये चीज बस आपको थोड़ी सी बतानी चाहिए, और किसके तहत बनाया इन्होंने, प्रोजेक्ट प्राण के तहत। प्रोजेक्ट प्राण अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि ये प्रोजेक्ट प्राण जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस याद रखना है और वेंटिलेटर याद रखना है, ठीक है। अब देखो, ये एक नेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है कोविड-19 का। अब देखो क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रेवियंस, DARPG, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे DARPG.com पे .in पे, तो आपको जो है वो पता लगेगा कि यहां पर एक डैशबोर्ड बना दिया गया है कोविड-19 का। ये उन्हीं की वेबसाइट पे अभी मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट लिया है, राइट। तो ये कोविड-19 नाम का एक डैशबोर्ड पे, यानी कि जैसे आप होम पेज खोलोगे तो आपको नीचे यहां पर दिखाई देगा, और यहां पर आप देखो 5,535 ग्रेवियंस जो है वो रिसीव हुई है अभी। तो ये चीज जो है वो मैंने जब अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस समय मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, तब 5,535 जो ग्रेवियंस यानी कि शिकायत जो है वो रिसीव हुई है। तो इसका काम क्या है इस डैशबोर्ड का, तो हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, अगर उनकी कोई भी शिकायत होगी और वो कोई भी शिकायत करना चाहती है कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो वो यहां पर अपनी शिकायत जो है वो मेंशन कर सकती है। तो ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है, ये डैशबोर्ड जो है वो इस पर्पज के लिए बनाया गया है, सिंपल बस याद रखना आप, ठीक है। और ये DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रेवियंसेस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी इसके बारे में बतानी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, ऑपरेशन संजीवनी, ठीक है। अब देखो, रामायण आज की डेट में चल रहा है, सुबह 8 बजे 9 बजे मेरे ख्याल से है ना, रामायण चल रहा है कि नहीं चल रहा, सभी लोग क्या चल रहा होगा, दूरदर्शन क्या लोग बात जो है वो देख रहे होंगे, पेरेंट्स वगैरह, राइट। तो ऑपरेशन संजीवनी, तो मेरा अभी आपसे एक क्वेश्चन है, ये ऑपरेशन संजीवनी तो बाद में बताऊंगा, एक क्वेश्चन है रामायण से रिलेटेड अभी याद आ गया कि संजीवनी का उपयोग जो है वो रामायण में कहां पर किया गया था, और संजीवनी जो है वो कौन लेकर आए थे और किसके लिए लेकर आए थे, देखते हैं किसको इंडियन माइथोलॉजी के बारे में, हिंदू माइथोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब ऑपरेशन संजीवनी, अब जिन लोग ने आंसर लिख दिया उनको पता होगा यार, संजीवनी जो है इसका मतलब तो है कि हनुमान जी जो है वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी जो है वो की बूटी लेकर आए थे, ठीक है, संजीवनी बूटी, आपको पता होगा उसके बारे में, राइट। तो वैसे ही कुछ ये हम लोग को ऑपरेशन संजीवनी देखने को मिल रहा है, हम लोग जो है वो मालदीव्स लेकर गए हैं काफी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल ड्रग्स काफी सारे लेकर गए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से ना ही सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया पर जो है वो परेशान है, और मालदीव्स जो कंट्री है, आइलैंड कंट्री, हमारी ही एक अच्छी, मैं उनके टर्म्स हमारे साथ काफी अच्छे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइस, कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयां वगैरह जो है वो यहां पर पहुंचाई हैं, ठीक है। बताया जा रहा है कि 6.2 टन एसेंशियल मेडिसिन और हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स ये मालदीव्स को हम लोगों ने जो है वो पहुंचा है। मालदीव्स की लोकेशन आप देख लीजिए यहां पर, ये नीचे ही है, साउथ पे हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये ऑपरेशन संजीवनी के तहत बताया गया, और इंडियन एयरफोर्स का C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है, ये आप देख सकते हो, ये सामान जो है वो चढ़ाया जा रहा है।
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो उसने यहां पर पहुंचाया है। यहां पर स्पेशली बताया गया कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पहुंचाई है, एंटी वायरल ड्रग पहुंचाए हैं लोपानिवार और रिटोनावर नाम के, राइट, ये जो है वो पहुंचाया, और जिसको कहा गया कि कोविड 19 को ट्रीट करने के लिए इन दो दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। बट देखिए एक चीज आपने नोटिस करी होगी शायद कि हम लोगों ने मेरे ख्याल से सैटरडे वाले लेक्चर में ही डिस्कस किया था हाइड्रोक्लोरोक्वीन और एजीथ्रोमाइसिन नाम के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो अभी रिसेंटली जो है वो फोकस किया जा रहा है कि इन दोनों कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाएगा, और इसको लेकर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया कि अब इन दोनों कॉम्बिनेशन का कोरोना वायरस के पेशेंट्स में उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर एक और चीज मेंशन थी कि जो ये लोपानावीर और रिटोनावीर नाम की जो कॉम्बिनेशन से जो दवाइयां हैं उनका उपयोग ना किया जाए। अब इन दवाई का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इन दवाइयों को हम लोगों ने जो है वो मालदीव्स भेज दिया। तो देखो डिप्लोमेटिक चीजें आप देख रहे हो कैसी हो रही हैं, राइट। इसी प्रकार की चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ये सब चीजें क्या है आपको कोई बताएगा नहीं, राइट, बट आपको अपने दिमाग में ये सब अंदाजा रखना है कि इंडिया जो है वो दूसरे चीजों पर काम कर रही है, ठीक है। इंडिया ने प्रमोट किया है कि हम लोग को हाइड्रोक्लोरोक्वीन और एजीथ्रोमाइसिन नाम का ड्रग जो है वो कंबाइन करके पेशेंट्स को देना है। अब कहा है हेल्थ मिनिस्ट्री ने कि इन दोनों ड्रग्स को देने की आवश्यकता नहीं, अब इन दोनों ड्रग्स को देने की आवश्यकता नहीं, तो हमने सोचा चलो मालदीव्स को देते हैं, शायद वो थोड़ा बहुत अपने वहां के लोगों को ट्रीट कर सकें और साथ ही साथ हमारे उनके साथ रिलेशन भी अच्छे बन जाए। तो देखो एक चीज तो क्या हुई, जिस चीज की जरूरत नहीं अभी हम लोग को हमने जो है वो दूसरी कंट्री को दे दी और उससे हमारे जो है वो रिलेशन भी अच्छे बन गए। सामने वाली कंट्री ने बोला कि अरे वाह यार इंडिया हमारी मदद कर रही है, राइट। तो ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिसी थोड़ी बहुत आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये चीज जो है वो कोई गलत तो है नहीं, ऑब्वियस ही बात है, राइट। हम लोगों ने एटलीस्ट उनको दवाई तो दी, हम लोगों ने ऐसे थोड़ा कि उनको बेवकूफ बना दिया, गलत चीज दी नहीं, दी उनको दवाई दी, राइट, जितना हमसे हो सका हमने उतना दिया, राइट। बट क्या है कि इंडिया को खुद को अपने पेशेंट्स को पहले ट्रीट करना, इंडियन सिटीजन को ट्रीट करना उसकी मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, राइट। उसके बाद फिर दूसरी कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, क्योंकि अगर इंडिया अपनी ही मतलब मेडिसिन को अगर वहां पहुंचा देगा और हमारे पेशेंट्स के लिए कमी हो गई तो फिर क्या, राइट। तो दैट इज द इशू ना, क्योंकि यहां पर काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार ये करना गलत है, हम दूसरों को गलत चीज देंगे तो क्या, गलत चीज कहां दी, सही चीज दी है, मेडिसिन ही तो दी है, राइट। बट क्या है कि हम लोग अब इस पर जो है वो काम नहीं कर रहे, इसको ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे, हम लोग हाइड्रोक्लोरोक्वीन और एजीथ्रोमाइसिन नाम के कॉम्बिनेशन को अभी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहा गया कि शायद इससे जो है वो कोरोना वायरस के पेशेंट्स को अच्छा रिलीफ मिल सकता है। परसों के लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अब बात करेंगे एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के बारे में। क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सरसाइज योगदान जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए एनसीसी आपने शायद स्कूल वगैरह में देखा होगा, और या फिर आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने एनसीसी को ज्वाइन भी किया होगा। तो एनसीसी का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राइट। मेरी मम्मी भी थी, वो एनसीसी की लीडर थी एक विंग की, राइट, एनसीसी, ठीक है। तो ये एनसीसी आप जानते होंगे गाइस कि यहां पर अलग अलग एक्टिविटीज की जाती है, सोशल सर्विस से रिलेटेड अलग अलग एडवेंचर ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, डिसिप्लिन वगैरह जो है वो सिखाए जाते हैं, राइट। और सभी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एनसीसी ओपन रहती है वॉलंटरी बेसिस पर, यानी कि सामने वाला अगर एनसीसी ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, वरना फिर कोई ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ठीक है, एनसीसी को ज्वाइन करने का। और ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये एनसीसी के अभी जो भी लोग हैं जो एनसीसी से कनेक्टेड हैं, एनसीसी में एनरोल्ड हैं, तो वो अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है वो आगे आ गए हैं, ठीक है। तो अब ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और ये एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आप एक्सरसाइज योगदान किससे रिलेटेड है तो आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज पूछी आएगी। और नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है वो एनसीसी का फुल फॉर्म है, और इसका एक कानून है 31 नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 31 1948 का, इसके तहत जो है वो एनसीसी को एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये कानून भी थोड़ा सा आप पता होना चाहिए, ठीक है। यहां बात करेंगे ग्रेस एफओ मिशन के बारे में। इसका फुल फॉर्म है ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन मिशन। देखो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेस मिशन जो है वो किसका मिशन है, तो नासा का, यूएसए का और जर्मनी का ये मिशन है, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस का ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है, नासा और जर्मनी का, ठीक है, या फिर यूएसए और जर्मनी का ये मिशन है ग्रेस एफओ मिशन। ये ग्रेस एफओ मिशन जो है गाइस ये सक्सेसर है ग्रेस मिशन का। इससे पहले जो मिशन था वो ग्रेस मिशन था जो कि 2002 में लॉन्च किया गया था, यानी कि 2002 में धरती को ये ऑर्बिट कर रहा था, यानी धरती के चक्कर लगा रहा था। ये एक प्रकार की सैटेलाइट है जो कि धरती के चक्कर लगाती है, और इन सैटेलाइट का काम क्या होता है, धरती के सरफेस के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं उस चीज को देखना, राइट। और उससे रिलेटेड ये मैप जो है वो प्रोवाइड कराते हैं कि क्या क्या चेंजेस धरती के सर्फेसिस में हो रहा है। और ग्रेस एफओ मिशन स्पेशली धरती के अंडर वाटर मूवमेंट या फिर सिंपली वाटर मूवमेंट को मेजर करता है, ट्रैक करता है, और उससे रिलेटेड मैप्स रिलीज करता है, राइट। जैसे कि धरती में पानी जो है वो किस किस जगह पर कितना है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कितना है और कितना कम हुआ है पहले के मुकाबले, या कितना ज्यादा हुआ है, किस किस जगह पर कितना कम हुआ है, किस जगह पर कितना ज्यादा हुआ है, तो उससे रिलेटेड एक डिटेल्ड
मैप जो है वो प्रोवाइड कराता है, बताता है कि लेक्स के अंदर कितना पानी बढ़ा है या फिर कितना पानी है, रिवर्स में कितना पानी है, सॉइल का मॉइस्चर कितना है, आइस शीट्स जो है वो कितनी मेल्ट हो रही है या नहीं हो रही, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, सी लेवल इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है राइट, और उसके कारण ओशन का पानी बढ़ा है कि घटा है राइट। तो ये सब चीजें जो है ये मेजर करके मैप के थ्रू बताता है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि ये इसका नया मैप जो है वो अभी सामने आया है, जिसको डेवलप किया है यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने राइट, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने, और यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन राइट यूएनएल, इसके द्वारा भी रिसेंटली जो है ये एक नया मैप रिलीज किया गया, जिसने बताया है सॉइल मॉइस्चर के बारे में और ग्राउंड वाटर वेटनेस के बारे में। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई है इन्होंने। और गाइस देखो, ये सब चीजें क्यों जरूरी होती हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा, इसकी जरूरत जो है वो किस पर्पज के लिए होती है। बट एक चीज याद रखो कि ये मैप जो ये प्रोवाइड कराता है, इसके मैप तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक मैप जो होता है वो सरफेस सॉइल मॉइस्चर दिखाता है, यानी कि जो धरती है, धरती के ऊपर जो सॉइल है, जो मिट्टी पड़ी हुई है, तो वो मिट्टी जो है वो उसमें कोई नमी है कि नहीं है, तो उस चीज को बताता है ये एक मैप। दूसरा मैप बताता है कि मिट्टी के नीचे जो रूट्स वगैरह है वहां पर क्या स्थिति है पानी की, और तीसरा जो है वो ग्राउंड वाटर के बारे में बताता है। तो ये तीन प्रकार के जो इन डेप्थ मैप जो है वो प्रोवाइड कराता है राइट। इसके मैप्स हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिलते हैं, और इसके जो जो ऑब्जर्वेशंस वगैरह होते हैं सैटेलाइट के, तो उसके थ्रू हम लोग को पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर धरती में किस किस जगह पर कितना पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कहाँ पर किस जगह पर कितना पानी है, किस जगह पर कितना पानी नहीं है। अब इससे फायदे क्या होते हैं ये सब डेटा से, तो देखो गाइस ये सब डेटा से काफी कुछ चीजें पता लगती है। बेसिकली ये पता लगता है कि किस जगह पर सूखा पड़ने वाला है। ठीक है, अगर पहले से एडवांस में पता लग जाए कि यार इस जगह पर पानी की पानी जो है वो कंटिन्यूअसली कुछ महीनों से या कुछ सालों से जो है वो एकदम से कम होता जा रहा है, तो अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या कर सकेंगे, उस जगह पर पानी को बचाने के लिए या फिर उस जगह पर जो लोग रह रहे हैं उनको बेटर तरीके से अवेयर करेंगे कि यार अगर आप जिस प्रकार से पानी को गलत तरीके से उपयोग कर रहे हो या वेस्टेज कर रहे हो वाटर का, तो आप मत करो अभी, क्योंकि आने वाले समय में पानी की समस्या बहुत बढ़ सकती है। और आप जान ही रहे हो गाइस कि अभी भी रिसेंटली दो तीन एडिटोरियल्स में ये भी मेंशन किया गया है साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने कि सन 2020 के एंड में और 21 में इंडिया की काफी सारी ऐसी सिटीज है जहां पर पूरी तरह से ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पानी की बड़ी समस्या होने वाली। ये बात मैं 2050 या 2030-40 की नहीं कर रहा हूं, अभी इसी साल के एंड की और नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग की। और इवन अभी कुछ दिनों पहले भी, यानी कि कुछ महीने पहले भी, हम लोगों ने इस प्रकार की वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड चीजें मैं बात भी करी थी, और मैंने आपको बताया भी था कि हमारी कंट्री के अंदर तिरुपति बालाजी, आप जानते हो कि काफी फेमस जगह है, मंदिर है यहां पर राइट, तो तिरुपति बालाजी के अंदर तिरुपति जो जगह है वहां पर हर 3 दिन में 1 दिन नल का पानी आता था। ये स्थिति अभी बीच में जो है वो यहां पर हो गई थी राइट, तो मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। और हरियाणा का ग्राउंड वाटर काफी तेजी से डिप्लीट होना शुरू हो गया था राइट, तो ये वाली चीज भी हमने देखी थी राइट। तो ऐसी ही चीजें, इसी के कंसर्न जो है वो यहां पर पता लग रहा है। तो जिस जगह पर पूरी तरह से पता लग जाएगी यार कहां पर ड्राई कंडीशन है, कहां पर वेट कंडीशन है, उसके अगर पूरी डिटेल चीज जो है वो अगर मिल जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि इससे अथॉरिटीज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतर तरीके से अपनी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनाकर काम कर पाएंगी। ठीक है, इसके अलावा वजह कुछ भी हो सकती है राइट, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन किसी एरिया की एकदम से बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कि वाटर कंजम्पशन भी एकदम से बढ़ेगा ही बढ़ेगा राइट। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज भी वजह हो सकती है पानी के कम होने की या बढ़ने की राइट, और भी काफी सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल सकती हैं। और इसको बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए भी जो है वो इन सब डेटा का उपयोग काफी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर और क्रॉप्स की अगर हम लोग बात करें, तो देखो कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको ज्यादा पानी पिलाना पड़ता है राइट, तब जाकर वो अच्छे से उपजाऊ तरीके से उगती हैं। तो जिस जगह पर ज्यादा पानी पिलाना है, जो फसलें जो है वो ज्यादा पानी पीती हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको ऐसी जगह पर नहीं रखना है जहां पर पानी की समस्या ज्यादा हो रही है। तो इससे क्या हो सकता है कि एग्रीकल्चर को भी बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता है राइट। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर जिस जगह पर ड्रॉट है, जिस जगह पर ड्रॉट जैसी स्थिति है, यानी कि सूखा जैसी स्थिति, और वहां पर ऐसे क्रॉप्स को लगा दिया है जो कि ज्यादा पानी पीता है, जैसे कि राइस, आप जानते हो कि चावल जो है वो ज्यादा पानी वाले एरिया पर उगाया जाता है ठीक है, तो जिस जगह पर पानी की बड़ी समस्या है उस जगह पर आप राइस उगा दोगे तो ना राइस ढंग से उग पाएगा राइट, ना यानी कि ना फसल ढंग से हो पाएगी, और वहां पर पानी का वेस्टेज भी और ज्यादा हो जाएगा राइट, एक तरह से अगर कहा जाए तो। तो ये बेटर क्रॉप के सिलेक्शन के लिए भी जो है ये डेटा काफी मायने रखता है और काफी इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है। तो ये डेटा इस प्रकार का क्यों आवश्यकता है, इस प्रकार के डेटा की, तो ये सब चीजें आप मेंस वगैरह में जो है वो उपयोग कर सकते हैं राइट। तो पेपर 3 से रिलेटेड भी इतने ही टॉपिक्स थे। आज हम लोग एक केस स्टडी जो है वो करेंगे गाइस कोरोना वायरस के ऊपर राइट। ये पेपर 4 में भी जो है वो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। एक तो मर्डर केस वाली केस स्टडी हमने देखी राइट, उसको भी आप कर सकते हो पेपर 4 में, बट वो मेनली FATF से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने आपको उसको पेपर 2 में मेंशन किया हुआ था ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने एक वेबसाइट से उठाया है, काफी अच्छा जो है वो मुझे ये क्वेश्चन लगा था
राइट, क्योंकि ऐसी चीजें जो है वो आप डायरेक्टली जो है वो आंसर इस प्रकार से बनाकर लिख सकते हैं। तो देख सकते हो गाइज आप, ये आंसर जो है वो आंसर मतलब यानी कि क्वेश्चन आंसर मोड में ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसी तरीके से जो है आप पूरा आंसर लिखेंगे अगर कोरोना वायरस आउटब्रेक से रिलेटेड कुछ चीज आ जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज कि कैसे चाइना से ये इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी डिजीज जो है वो पूरी दुनिया भर में फैली, कैसे फैली, राइट। यानी कि सिंपली कहा गया कि चाइना की भाई साहब क्या गलती थी, क्या गलती करी चाइना ने कि जिसके तहत ये पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया। तो यहां पर हम लोग चाइना की कुछ गलतियों के बारे में देखेंगे, क्योंकि अगर ये गलतियां चाइना नहीं करता तो आज की डेट में स्थिति कुछ और होती। तो देखो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड लगभग 10 लाख के आसपास मामले हम लोग को ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। और इनिशियली ये दिसंबर के महीने में फैलना शुरू हुआ था, और मैंने आपको उस समय पढ़ाया भी था दिसंबर के अंदर कि ये इस प्रकार का कुछ वायरस जो है वो कोरोना वायरस नाम का एक वायरस चाइना में उत्पन्न हुआ है, चाइना के वुहान में उत्पन्न हुआ है, राइट। बट उस समय ये क्लियरिटी नहीं थी कि ये इतना बड़ा डिजास्टर जो है वो आने वाले समय में बन जाएगा, क्योंकि उस समय सिंपली बस ये हम लोग बात कर रहे थे कि ये स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि ये एक पिक से फैला है, फिर हमने बात करी एक बैट से फैला है, राइट, चमगादड़ से फैला है, फिर कुछ समय बाद आया कि ये सांप से फैला है, राइट, फिर कुछ समय बाद आया कि ये फाइनली पैंगोलिन से फैला है, ठीक है। पैंगोलिन जानवर के बारे में मैंने आपको बताया था, पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये इस प्रकार की अनक्लियर पिक्चर जो है वो हम लोग को समय समय पर देखने को मिल रही थी, तो क्लियरिटी कहीं पर नहीं थी। बट जनवरी 19 पर चाइना ने फाइनली बोला कि ये वायरस जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले तक चाइना ने बताया ही नहीं था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन चल रहा है, बट ऑलरेडी इससे पहले चाइना में हालत खराब हो चुकी थी, राइट। फिर क्या हुआ, जनवरी 19 के बाद 23 जनवरी को चाइना ने किया लॉकडाउन, करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है वो बंद कर दिया था, पूरी की पूरी वुहान सिटी जो है वो लॉकडाउन कर दी थी। इसके अलावा वुहान के आसपास की जो एरियाज हैं, राइट, तो उनको भी जो है वो लॉकडाउन कर दिया था, और उसमें पता लगा कि करीब 66% से लेकर 95% 95% तक मामले में बड़ी गिरावट जो है वो आई है। तो कहा गया कि एक लॉकडाउन जो है वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है इस वायरस से बचने की, ठीक है, लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग इस वायरस से बचने की एक अच्छी स्ट्रेटेजी। बट गलती क्या हुई चाइना से कि उसने इनिशियल लेवल पर वर्ल्ड को नहीं बताया, क्योंकि वर्ल्ड को अगर इनिशियल लेवल पर ये बता देता तो ऑब्वियस ही बात है कि चाइना से आने वाले जो लोग हैं, जो यात्री हैं, या फिर कहीं से भी यानी कि दुनिया भर में कहीं से भी आने वाले यात्री हैं, उनको किसी भी कंट्री में एंटर होने से पहले उनका हेल्थ इंस्पेक्शन जो है वो कर लिया जाता, और अगर वो इन्फेक्टेड पाए जाते तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता, राइट, या फिर उनको ट्रीट किया जाता। तो बट हुआ क्या, लोग अलग अलग कंट्री में पहुंच गए और उनके थ्रू जो है वो इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि इसकी 4 स्टेजेस होती है इन्फेक्शन की। पहली स्टेज इंपोर्टेड ही होती है, राइट, चाइना से आया, ये इंपोर्टेड स्टेज पहली है, क्योंकि जो भी बंदा आएगा पहले कंट्री के अंदर आएगा, राइट, और कंट्री के अंदर आके फिर ये फैलाएगा। बट अगर पहली स्टेज को ही रोक दिया जाए, इंपोर्टेड वाली स्टेज को रोक दिया जाए, तो ये एक किसी कंट्री के अंदर ये फैलता नहीं, राइट, बट ऐसा हुआ नहीं। दूसरी स्टेज इसकी क्या देखी हमने, लोकलाइज। अब जो इंपोर्टेड पर्सन जो आ चुका है, इसने क्या किया, जो लोकल जो पर्सन है, राइट, जो जो कंट्री के अंदर रह रहे हैं, तो उनको वायरस फैला दिया। अब उनके थ्रू जो भी लोकल लोग जो है वो जो कंट्री में रह रहे हैं, तो लोकल टू लोकल ये वायरस फैलने लगा। फिर तीसरी जो स्टेज आती है, तीसरी स्टेज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी स्टेज। इस स्टेज में काफी सारे लोगों को ये वायरस जो है वो होना शुरू हो जाता है, जैसे कि इंदौर की स्थिति हमने देखी, वो एक प्रकार का जैसे कह रहे हैं ना कि इंदौर के अंदर भी कम्युनिटी स्टेज जो है वो शुरू हो गया, काफी सारे जो एडिटोरियल्स आए थे उसमें इंदौर का ये जिक्र था, राइट। इसके अलावा भी हमने बात करी दिल्ली का जो निजामुद्दीन का केस था, तो वो भी आप कह सकते हो कि एक बार में जब 1000 लोगों को एकदम से ये वायरस हो रहा है, तो वो एक कम्युनिटी टाइप की स्टेज है कि एक काफी सारे लोग एक जगह पर बैठे हुए और उनको वायरस हो गया, तो वो कम्युनिटी स्टेज हो जाती है फिर, ठीक है, और वो काफी तेजी से फिर ये फैलना शुरू कर जाता है, राइट। इसके अलावा चौथी स्टेज जो आती है फिर वो महामारी वाली स्टेज, उससे लड़ ही नहीं सकता कोई, और अभी फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री जो है वो अभी सेकेंड स्टेज पर ही है। बट हाँ, कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ सिटीज जो है वो हॉटस्पॉट बन गई है, कुछ कुछ एरियाज हॉटस्पॉट बन गए जो कि कम्युनिटी स्टेज वाली कैटेगरी में बताए जा रहे हैं, ठीक है, कम्युनिटी स्टेज या फिर सेमी कम्युनिटी स्टेज टाइप की कैटेगरी उसकी बताई जा रही है। तो ये चीज हम लोगों ने देखी कि इसका इस प्रकार से डिजास्टर होता है। अब ये डिजास्टर को जो है वो मतलब कैसे हुआ ये सब डिजास्टर, इसकी क्या इसके पीछे की क्या वजह थी, चाइना के अंदर ये कैसे हुआ, चाइना की क्या क्या गलती थी। तो देखो सबसे बड़ी गलती चाइना में एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, राइट। हालांकि बताया जा रहा है कम्युनिकेशन गैप, बट एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि चाइना की सभी अथॉरिटीज को पता था कि इस प्रकार की चीजें, बट चाइना जो है वो ऑब्वियस ही बात है यार, देखो चाइना जो है वो एक्सपोर्ट करती है पूरी कंट्री में चीजों को, तो वो नहीं जाएगी कि उसका जो है वो माल रुक जाए, राइट, क्योंकि अगर वो इनिशियल लेवल पे बता देती तो ऑब्वियस ही बात है कि जितनी उसकी ट्रेडिंग हो रही है, जितना एक्सपोर्ट उसका हो रहा है, वो रुक जाता, कोई कंट्री उससे सामान नहीं परचेस करती, ये डर के कि यार वो सामान के थ्रू वायरस ना आ जाए, राइट, समझ रहे हो बातों को। तो ये एक बड़ा इशू था जिसके कारण से चाइना ने
इस वायरस की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करी कि ये वायरस जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है या फिर ये वायरस ट्रांसमिट हो रहा है, कंटेजियस है, तेजी से फैलने वाला वायरस है, इसीलिए नहीं बताया, राइट। तो ये कम्युनिकेशन गैप तो एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, बट मैं नहीं मानता कम्युनिकेशन गैप है कुछ, क्योंकि चाइना के अंदर सभी हॉस्पिटल्स को पता था, सभी सभी जगह इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। इवन ये बोल रहे हैं कि नेशनल लेवल तक जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया डायरेक्ट हॉस्पिटल्स के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा, बट ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अथॉरिटीज के द्वारा रिपोर्ट किया गया था, उनको पता भी था, बट ये लीक नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि कम्युनिस्ट है ये, तो अपने ही लोगों के ऊपर बिल्कुल फ्रीडम नहीं देते। आपको पता होगा यहां पर फ्रीडम नहीं है, यहां पर एक डॉक्टर था, राइट। दूसरे लेवल पर हम लोग बात करेंगे कि यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, एक डॉक्टर था जिसका नाम था ली वेनलियांग, राइट। आप इसकी फोटो देख सकते हैं, ये डॉक्टर है, ठीक है। ये बंदा जो था, इसने इनिशियल लेवल पर ये वायरस आया, कोरोना वायरस कोविड-19, तो इसने बकायदा लोगों को बताने की कोशिश करी कि भाई ये बहुत डेंजरस वायरस है, इससे लोग मर सकते हैं, इसमें बहुत ही बड़ा आतंक जो है वो होने वाला है। तो स्टार्टिंग लेवल पर, इनिशियल लेवल पर इस बंदे ने जो है वो विसल ब्लोइंग का काम जो है वो शुरू कर दिया था, और इसी के चलते पूरी दुनिया भर को, एक्चुअली में कहा जाता है कि पूरी दुनिया भर को जो ये अभी तक पता लगा ना जनवरी फेब के आसपास, इसी बंदे के चक्कर पता लगा, वरना पता नहीं लगता, राइट। वरना और भी चीजें जो है वो खराब हो सकती थी। इस बंदे ने जो है वो सोशल मीडिया वगैरह पर अपलोडिंग अपनी शुरू करी, राइट, जैसे जैसे करके बताना लोगों को शुरू किया, बट उसी बीच जो है वो पुलिस ने इनको धमकी देना शुरू कर दी, इसको जान से मारने की धमकी दी, इसके परिवार को थ्रेट जो है वो पहुंचाना शुरू कर दिया, राइट। तो वहीं की पुलिस जो है वो इसको थ्रेट करने लगी कि ये इन्फॉर्मेशन लीक मत करो। तो इसी से हम लोगों को पता लग रहा है कि चाइना की अथॉरिटीज को ऑलरेडी पहले से पता था। चाइना सिर्फ लीक नहीं कर रही थी बिकॉज उसके पीछे उसका इकोनॉमिक रीजन था। वो इकोनॉमिक रीजन क्या था वो मैंने भी आपको बताया कि चाइना पूरी दुनिया भर में अपने माल को एक्सपोर्ट करती है। अगर दुनिया को पता लग जाए कि चाइना से ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई चाइना का माल नहीं खरीदेगा, चाइना की इकोनॉमी में डाउनफॉल आएगा, राइट। तो एक ये वजह थी। इसके अलावा कहने को तो लोग बहुत सारी कुछ चीजें कह रहे हैं, आप लोग को पता होगा, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि एक प्रकार का बायोलॉजिकल वॉर है, चाइना जो है वो जानबूझकर ऐसी चीजें करी है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चाइना ने इसलिए किया है क्योंकि चाइना को जो है वो इनकम की आवश्यकता थी, उसने यूएसए जैसे जो कंट्री है, बड़ी बड़ी कंट्री, यूएसए हो गई, ब्रिटेन हो गई, राइट। क्योंकि एक तरह से अगर कहा जाए, इस थ्योरी को भी अगर हम लोग देखें, इसको भी साइड ना रखें, तो हम लोग को एक चीज ये भी पता लग रही है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए की बात करो आप, राइट, जैसे कि स्पेन की बात करो आप, राइट, और जैसे कि ब्रिटेन की बात करो आप, तो ऐसी जो कंट्री है, इन सब कंट्री में के अंदर आप देखोगे, इटली की हम लोग बात करें, तो ये सब जो कंट्रीज हैं ये चाइना के अगेंस्ट वाली कंट्री, यानी कि हमेशा चाइना के अगेंस्ट काम करती काफी सारी चीजों में, और इन्हीं कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा प्रकोप इस कोरोना वायरस का हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं से सोची समझी चाल भी आप कह सकते हो इसकी, राइट। क्योंकि एक आधी मैंने वीडियो देखा था इस प्रकार का, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, शायद हम लोग इस थ्योरी को भी जो है वो मान सकते हैं, या फिर एक यानी कि एक इस थ्योरी को भी एक मतलब अपने ब्रेन में रख सकते हैं इस प्रकार की चीजें कि हाँ यार, शायद ये हो सकता है कि ये सोची समझी चाल हो चाइना की, बट नो वन नोस अंटिल अनलेस की अथॉरिटीज प्रूफ ना कर दें, राइट। बट फिर भी एक चीज जो है वो हम लोग रख सकते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे भी शायद मैं कन्विंस्ड हूं इस चीज को भी लेकर कि क्वाइट पॉसिबल कि चाइना ने इस प्रकार की चीज करी होगी, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि यूएसए और चाइना की टक्कर आप जानते हो कि कितनी खतरनाक है, राइट। और चाइना आज की रेट में सुपर पावर बनने की लाइन पर ऊपर बढ़ रहा था आगे। अब देखो आप, जैसे कि वुहान की बात करें हम लोग, और चाइना की आसपास की कंट्रीज की बात करें, जैसे कि कंट्री कह रहा हूं मैं, जो उसकी प्रोविंस है, जैसे कि हांगकांग की बात करें, वुहान टू हांगकांग मुश्किल से 6-7 घंटे 8 घंटे का रास्ता है, राइट। बट हांगकांग में ये चीज नहीं फैली, ये फैल गई यूएसए में जाकर, राइट। आप लोग बोलेंगे कि लोग जो है वो वुहान से यूएसए चले गए होंगे या दूसरी कंट्री चले गए, तो वुहान से हांगकांग भी तो लोग गए होंगे, बट हांगकांग में क्यों नहीं फैली है, चाइना की दूसरी ऐसी प्रोविंस के अंदर, एरिया के अंदर इतना ज्यादा प्रकोप क्यों नहीं देखने को मिला, राइट। तो उसकी वजह है ना कुछ इस प्रकार की, क्योंकि टारगेटेड अप्रोच भी आप कह सकते हो कि चाइना का टारगेट थी ये सब कंट्रीज, राइट। तो ये सब चीजें हैं इस प्रकार की। और दूसरी बात, एक इंसान का मैंने एक वो भी देखा था, एक वीडियो उसने बनाया था जिसमें उसने काफी अच्छी इसी प्रकार की बातें करी थी। एक हुआवे नाम की एक कंपनी है चाइना की, हुआवे नाम की, आपको पता होगा उसके बारे में, काफी सारे लोग इसको हवाई बोलते हैं, हवाई नाम की कंपनी, हुआवे उसका नाम। तो हुआवे नाम की जो कंपनी है, तो ये 5G नेटवर्क के ऊपर बेस्ड ये कंपनी है। तो ये बट उसको क्या किया था, यूएसए ने इस कंपनी को जो है, मैंने आपको पढ़ाया भी था इसके बारे में, आपको याद रहा होगा, तो हुआवे नाम की कंपनी को यूएसए ने इंटरनेशनली बोल दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि हुआवे जो है ये लोगों का डेटा चोरी करती है और इस कंपनी को जो है वो बैन किया जाए। तो ये 5G टेक्नोलॉजी आने वाले समय में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, और सिर्फ इकलौती हुआवे ऐसी कंपनी है जो कि काफी सस्ते रेट में 5G की डील जो है वो प्रोवाइड कराती है वर्ल्ड लेवल पर। बट अगर 5G वर्ल्ड लेवल पर हुआवे से कोई परचेज नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि चाइना को बड़ा लॉस होगा, क्योंकि हुआवे चाइना की कंपनी है, राइट। क्योंकि इस कंपनी के अंदर जो चाइना की जो गवर्नमेंट जो चलाते हैं, उनके शेयर इस कंपनी के अंदर बहुत ह्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो उसको यूएसए ने जो है वो मना कर दिया, और भी ट्रेड वॉर यूएसए और चाइना के बीच में हम लोग को देखने को मिल ही रहा था, राइट। तो इसीलिए ये
टारगेटेड अप्रोच था पूरा इन इन जगह पर, क्योंकि देखो ना प्रकोप एक्चुअल में देखो आपकी यूरोपियन कंट्रीज में, आप देखो यूएसए में देखो सबसे ज्यादा प्रकोप है, और इवन यूएसए की जो नेबरिंग कंट्री है कनाडा उसमें इतना प्रकोप नहीं है राइट इस वायरस का, बट स्पेशली जिस जिस जगह को टारगेट किया चाइना ने उस जगह पर ये प्रकोप हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं हम लोग इस थ्योरी को भी एक जगह पर अपने एक ब्रेन पे जो है वो रख सकते हैं एक साइड में राइट। तो बस ये सिंपल चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसी चीजें आएंगी तो आपको जो है वो ये सब चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखना है ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा सॉरी स्ट्रेच हो गया ये वाला लेक्चर, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा स्ट्रेच हो, बट चलो फटाफट फिनिश कर देते हैं बस क्योंकि ये आखिरी ही टॉपिक है। इसके अलावा इन्फेक्शन काफी तेजी से जो है वो फैलना शुरू हो गया, इसके बारे में आप जानते ही हो राइट, बट अब कोशिश तो यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है ये खत्म हो, बंद हो राइट, और इस पर काम है। और आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे आपका भी विचार लिखकर जरूर बताइएगा। और देखिए जितना भी मैंने आपको पढ़ाया अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गया है, क्लियर हो गया है, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर सकते हैं, और यदि आप किसी टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। और रुकिए कहीं जाइएगा नहीं, दो जनरल स्टडीज के टॉपिक्स हैं जिसको मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, जिनको आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करके इनसे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखना है सर होमवर्क डन, तो मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, होमवर्क करने से पहले इंग्लिश हिंदी दोनों में ये नोटिस लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। पहला होमवर्क है ई नाम के बारे में आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में आपको पढ़ना है राइट। तो इसके इसमें कुछ चेंजेस जो है वो लाए गए हैं, इसमें यहाँ पर बताया गया कि डायरेक्टली फार्मर्स जो है उनको होलसेल मंडीज आने की आवश्यकता ना पड़े, यानी कि फार्मर्स को मंडीज वगैरह जाने की आवश्यकता ना पड़े, तो इसीलिए कुछ जो है वो ये सब चीज़ें अभी इसमें कुछ चेंजेस जो है वो किए गए हैं, तो इसलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज़ में आ गया था, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अभी सभी जगह लॉकडाउन किया जा रहा है और शायद ये लॉकडाउन अब स्ट्रेच हो सकता है ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ये ई नाम आपको पढ़ना है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, और FATF भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था, तो ये एक बार डिटेल में पढ़ लो, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह बस आप देख लो ठीक है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और ये दोनों टॉपिक्स कर लो, इससे रिलेटेड नोट्स बना के अपने पास रख लो, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन। और इस लेक्चर की PDF हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है, एंड पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए इससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।